जब एक आदमी ये ठान लेता है कि वो ज़िंदगी में आ रही चीज़ों को अपने ढंग से करेगा तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसके हाथों में ताकत है तो कोई भी चीज़ उसे नहीं रोक सकती। फिल्म जोरा 10 नंबरिया चार चीज़ों पर आधारित है और वो है पॉलिटिक्स, पावर, पुलिस और पंजाब। फिल्म में लीड किरदार में नजर आएंगे प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र और दीपू सिद्धू। अन्य स्टार कास्ट में शामिल है सरदार सोही, मुकुल देव और नीतू पंडेर। ये फिल्म पॉलिटिक्स, पावर, पुलिस और पंजाब को हाईलाइट करेगी, साथ ही साथ बढ़ते क्राइम पर भी नजर डालेगी। फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के आसपास घूमती है जो एक आम व्यक्ति से गैंगस्टर और फिर एक नेता बन जाता है और इन सब में उसे काफी कुछ सहन करना पड़ता है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जोरा 10 नंबरिया की टीम ने फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया। कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, मैं ये मानता भी कोई नैगेटिव होंदा भी नहीं है। वह अपनी 90s दियाँ फिल्म होंदियाँ सी जो अपना नैगेटिव कैरेक्टर दिखाते सी या पॉजिटिव एक बंदा बड़ा हीरोइज़म च होंदा सी, पर ये सर्कमस्टांसिस होंदे आ जिहड़े तुहानू मजबूर कर देंदे आ, हालात होंदे आ मजबूर कर देंदे आ भी एक पर्टिकुलर वे च एक्ट करन वास्ते। तां उह हालातां दा ही एक बंदा, उहदे बचपन दा बड़ा ट्रॉमाटाइज्ड बचपन आ उहदा, उहने अब्यूज़ देखिया मदर नूं, एक फिजिकल अब्यूज़ देखिया आपदे मदर दा, ते होर चीज़ां इहो जिहियां विटनेस करदा भी उहदे उहदे जो माइंड ते जो हालात असर करदे आ उहदी फिर अगे दी सारी जर्नी दर्शाउंदे आ। तां इह सोना हालातां दा कैरेक्टर आ, तां उह जिहड़ी सारी जर्नी आ उह ड्राइव करदी आ इमोशनस ते, तां उह इमोशनस आ जिहड़े उही लै के चलदे आ के कैरेक्टर। रोमांस उह तां तुहानूं हुण फिल्म देखणी पऊगी, रोमांस है बट बड़ा रियलिस्टिक जी गल आ। ये फिल्मों वाला रोमांस नहीं है भी मैं दरख्तों के इधर उधर भजा फिर रहाँ, स्टैप स्टैप ये मिला के डांस करता रहा, क्योंकि उन्होंने चीज़ा मैं वह जे सिनेमे बिलोंग नहीं करता या वह जे सिनेमे मैं आपकी सांझ पानी औखी जी समझदा। मैनू यह भी बड़ी सच्ची जी गल हो, रियलिस्टिक फिल्म हो जिमें हॉलीवुड सिनेमा वह फिल्म्स नू प्रेजेंट करते हैं ओह जी कहानी नू लैके चलीए, तो यह कुछ ओह जी कोशिश है। वर्ल्ड सिनेमा का विद्यार्थी हाँ, वर्ल्ड सिनेमा मीनस हॉलीवुड का सिनेमा, चाहे इटैलीयन सिनेमा, चाहे साडा साउथ का सिनेमा, चाहे बंगाली फिल्म, जो भी अच्छा कुछ भी बनता है वो मैं वेखता रहना, और मैं हमेशा एक सोचता हूँ कि पंजाबी चो उस किस्म का सिनेमा नहीं बनता जिहड़ा रॉ होवे, जिहड़ा हार्ड हिटिंग होवे। ये मेरे पसंद का सिनेमा, ये मैं जो स्क्रिप्ट पूरी की और मैं सोचा, क्योंकि तुहानू पता पहला मैं दो शॉर्ट फिल्मां बनाईयां ने सुत्ता नाग ते खून, ते जदों मैं ये फैसला लिया कि मैं पहली फीचर फिल्म केड़ी बनाउणी आ, तां मैं यही लिया कि मेरा जिहड़ा पसंद का सिनेमा हैगा उस दी कहानी है जिहड़ी, उस तरह की कहानी है वो जोरा 10 नंबरिया है, मेरे बठिंडे दी शहर दी कहानी। और उस कहानी दे विच मैं इन्ना इनवॉल्व हो गया कि मैं सच दसदा तुहानू कि मेरे 2-3 साल का जिहड़ा पिछला समा वो तो इदा ही रहा कि मेरे नाल जोरा तुरदा, मेरे नाल शेरा राठौड़, ज्वाला चौधरी सारे मेरे नाल फिरते ने। जिस तरह हिंदी दे विच सिनेमा बनता गैंग ऑफ वासेपुर जां राम गोपाल वर्मा दीआं फिल्मां, वो सिनेमा मैं बहुत पसंद है, उस जॉनर की फिल्म आ। और मैं हमेशा हट के वक्रा काम करन दी कोशिश की है, पंजाबी च होर तरह का सिनेमा बन रहा है, मैं इनू अपने तरह का बनाने के खातर ही मैं इन्नी मेहनत करनी पई, ता जाके यह जोरा 10 नंबरिया ही बनी। वही एक्टर मुकुल देव ने कहा कि हर फिल्म का अपना म्यूजिक होता है जो फिल्म का पूरा करता है और उसकी बैकबोन बनता है, और उन्हें उम्मीद है कि लोगों को फिल्म का म्यूजिक जरूर पसंद आएगा। इस फिल्म का ये बेसिकली जर्नी सफर है कि मैं एक बंदा जरा जुर्म की दुनिया से कदम रखता किसी भी वजह न पर्सनल वजह वो फिल्म देख के पता लग जाएगा कि कुछ होंगे वो तो जर्नी उन्होंने कितने लैके जाती है तो फिर एंड रिजल्ट की होंगे, वट इज़ द फ्यूचुरिटी और वट इज़ द एडवांटेज। ये बेसिकली एक बड़ा लीनियर जी अप्रोच है टूवर्ड्स द स्टोरी ऑफ जोरा। जोरा 10 नंबरी जे मेन सेंट्रल किरदार है जरा वो हैगा जोरा, वह ना ना दे उत्ते कहानी बेस्ड है जोरा 10 नंबरी। चंडीगढ़ से नेशनल बज़ के लिए विनोद प्रकाश की रिपोर्ट।